हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम एक क्विक रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। सो एक अकार रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेज हिसाब से रिजनेट हो आप उतने दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी से देख सकते हैं। एंड साइंस स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, साइंस आपसे मैच करते हैं या नहीं करते हैं नो मैटर, एनर्जी आपसे मैच होनी चाहिए। एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब आप उसे देख लेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपने पार्टनर को जिसके बारे में, जिसको भी लेके आप रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उन पर कंसंट्रेट कीजिए। या उनका नाम भी आप दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं मन ही मन। चलो सो थर्ड कार्ड वी हैव द फूल, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, Eight of Wands, and bottom of the deck we have Three of Cups. Okay. In cards, go clarify. So the Fool came out to the deck. Guys, my cards reverse में नहीं लेंगे, सारे upright लेंगे, चाहे वो reverse में है, the cards upright ही लेंगे सारे. Okay, the Moon. King of Swords, दोनों हैं, दोनों बेस्ट। ओके, Page of Cups एंड Judgment, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अगेन Temperance। सो ऑलमोस्ट सारे ही साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे भी साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, फिर भी मैंने आपको साइंस बता दिया। चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके केस में थर्ड पार्टी थी, इन केस अगर थर्ड पार्टी थी, मैं ये नहीं कहती थर्ड पार्टी लव इंटरेस्ट हो, अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनका करियर भी हो सकता है। सो अगर पास्ट में आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी का इश्यू रहा है, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको जिनको पास्ट में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है थर्ड पार्टी की वजह से। आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, किसी और को प्रायोरिटी दी, आपको हर्ट किया, या फिर पास्ट में आपका आपके जो भी सक्षम सेंटेंसेज रहे हैं, बट जिन जिन के केस में थर्ड पार्टी रही है उनके लिए ये मैसेज होगा कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़ के एक रिस्क उठाते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। वो अगर आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। अभी वो कोई भी रिस्क आपके लिए लेने के लिए तैयार है और इस थर्ड पार्टी को ये पीछे छोड़ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट मैसेज वी हैव किंग ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है और जो कि इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर आपसे ट्रूली और बहुत ही प्योर, बहुत ही जेन्युइन लव है उनका आपके लिए। बहुत से इमोशंस हैं लेकिन अपने इमोशंस को ये छुपा के रखते हैं। बहुत से जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स ही आपसे कंफर्स नहीं की। इमोशन तो बहुत है, घुट घुट के भरे हैं लेकिन जताना नहीं आता। और ऐसा ही केस आपके पार्टनर के साथ आपका है। सो आपके पार्टनर आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आई मस्ट से बहुत ही बहुत 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 सा और बहुत ही ट्रू लव है। और मैं ये भी बता दूँ, आप दोनों का जो कनेक्शन है ये डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है, बहुत ही प्योर कनेक्शन है। डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है और डिवाइन आपके साथ है, आपके इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं
और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं और आपके पार्टनर को भी। आपके पार्टनर की इस वक्त की जो सिचुएशन है ना, उसमें वो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी उन्होंने पास्ट में सोचा कि शायद आपको ऑप्शन में रख के या थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे के वो बैलेंस कर लेंगे, बट इनकी लाइफ में अभी बैलेंस नहीं है, इनकी लाइफ बैलेंस ही नहीं है और ये कोशिश कर रहे हैं, इनकी हीलिंग भी हो रही है, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने पे लगे हुए हैं कि इनका मानना है कि सभी को साथ में लेके चलना, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो इनका बिजनेस हो या इनकी फैमिली हो, तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो ये अपनी थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच रही है या प्रेजेंट टाइम में है, इन्होंने ये देखो पास्ट की मैं बता रही हूँ, इन्होंने बैलेंस बहुत बैलेंस करने की सोची, बट एट द एंड इन्होंने हार मान ली। ठीक है, अभी इन्होंने सोचा है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ रीयूनियन में है। ये डेफिनेटली अभी श्योर हो चुके हैं कि इनको थर्ड पार्टी से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे ही सब कुछ है या फिर फैमिली सब कुछ है, नहीं वो भी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो पास्ट में आपको प्रायोरिटी ना देके जो थर्ड पार्टी हो गई थी, अभी इनको रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन का कार्ड भी हमें मिला है, इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने फर्स्ट थर्ड पार्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे के इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, चाहे लव के हवाले से देख लो, चाहे केयर के हवाले से देख लो, चाहे कोई भी बेनिफिट हो, बट अभी आपके पार्टनर चाहते हैं कि अभी इनको बैलेंस नहीं करना, क्योंकि अभी इनकी बस की बात ही नहीं है। चाहते तो हैं कि बैलेंस करके चले, लेकिन थर्ड पार्टी को अभी ये छोड़ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और इन्होंने कई हद तक डिसाइड भी कर लिया कि इनको आपको चुनना है। मे बी इन्होंने पास्ट में आपको गोस्ट किया या बहुत ही कोल्ड बिहेवियर रहा आपके पार्टनर का आपके प्रति, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आपको एक ऑफर दिया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जब आएंगे ये तो क्लियरली हमें पता लग गया कि इनमें इमोशंस तो बहुत है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि साथ में फियर्स भी है। अगर बोलना चाहे तो वो जो फियर्स है वो इनको बोलने नहीं देते, सो ये एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को इतना जितना इनको करना चाहिए, और कभी करते भी होंगे तो आपको ट्रस्ट नहीं होता होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं हो आपके इस रिलेशनशिप में, पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज रहे हों या अभी भी चल, और होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि मैं ये बता दूँ, आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, कोई भी बात सीधे डायरेक्ट नहीं बोलते, घुमा फिरा के बोलते हैं, और इनका बिहेवियर आपके प्रति ऐसा रहता है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अगर इन इन जनाब के जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो इन मोहतरमा के अगर दिल में बहुत सी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी है, बट ये फेस पे शो नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनका बिहेवियर आपको ऐसा मिलेगा जैसे इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, इनके पास तो बहुत से ऑप्शन हैं, बट अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको एक लव पर देना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। लेकिन ये भी मैं बता दूँ आपको, अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वही उसी एनर्जी में आएंगे, मैनिपुलेटिव एनर्जी में। ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट आपको अप्रोच ना करें, इनडायरेक्टली करें, दोस्तों के थ्रू या कोई भी, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपसे कांटेक्ट करें, तो ये नहीं करें कि ये नहीं टॉपिक छेड़ेंगे कि हाँ मुझे ज़रूरत थी, मुझे बहुत याद आ रही थी कि मेरी लाइफ में आपको जाने के बाद जैसे मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, और थर्ड पार्टी को भी मैंने प्रायोरिटी दे के देख ली, लेकिन वो जो सुकून है, वो जो पीस चाहिए थी मुझे, वो मुझे वहाँ नहीं मिली। ये बातें तो आप इनसे एक्सपेक्ट ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये ऐसे बोलने से ये जब आएंगे तब ये ऐसे बोलेंगे, आए तो भी डेफिनेटली आएंगे और आपको अप्रोच भी करेंगे, बट ये करेंगे इनडायरेक्ट वे में,
ये बोलेंगी हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ यही बोलेंगी, ये लाइन बोलेंगी, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपको कैसे मैनिपुलेट कर सकती है। ये आएंगे और ये बोलेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ काम है और मुझे कुछ काम था, सो इस बहाने कॉन्टैक्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप अभी भी हर्ट हैं इनके पास्ट के एक्शंस को लेके। बट डेफिनेटली ये आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन इनका जो बिहेवियर रहेगा ये आपको थोड़ा पास्ट के जैसा थोड़ा रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान चेंज कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ है, जब जब इन्होंने आपको हर्ट किया वो गलतियाँ इनको रियलाइज़ है, ये खुद को हील कर रहा है। डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ है आप उन्हें भूल जाए। सो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। सो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय सियाराम।